ऐसी हिम्मत नहीं है कि हम भगवान ला दें और नकली भगवान ला दें तो हमें ये मिल गए कहीं, तो हम इन्हें ही ले आए आपके लिए। और बिल्कुल दूर से मिलते हैं शक्ल से, बहुत मस्त। अगली बार वो बाहर ये अंदर, कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन बदल गया है। अखिलेश ने जब लगाई दहाड़, मंच पर योगी ने बिखेरी मुस्कान, अखिलेश वार पर वार करते रहे, योगी जनता के बीच सब कुछ सुनते रहे। विरोधियों पर किस अंदाज में निशाना साधना चाहिए, वार का तरीका कैसा हो जो जनता को सीधा हिट करे, उस वक्त सोचने के लिए मजबूर कर दे। राजनीति के इस गुर को सीखना है तो अखिलेश यादव के गोरखपुर की रैली को देखिए। इस मंच पर कैसे एक योगी से गले मिल रहे हैं, उन्हीं के रूप में सामने कैसे उनको ही खरी खोटी सुना रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के कई जनसभाओं में, खासकर पूर्वांचल की रैलियों में, ये शख्स जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमशक्ल है अक्सर मिल जाते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में लोगों को अजब नजारा देखने को मिला, जब योगी अखिलेश के गले लग गए। और इसके बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी जुबान से निकाले शब्दों के जरिए जनता के सामने पस्त करने में व्यस्त हो गए। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम भगवान ला दें और नकली भगवान ला दें तो हमें ये मिल गए कहीं, तो हम इन्हें ही ले आए आपके लिए। और बिल्कुल दूर से मिलते हैं शक्ल से, बहुत मस्त। अगली बार वो बाहर ये अंदर, कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन बदल गया है। जो पुरानी फिल्में नहीं होती थी, डबल रोल वाली जो पुरानी फिल्में होती थी, तो ये डबल रोल है, वो बाहर ये अंदर। और सोचो क्या क्या वादे किए थे हमारे किसान भाइयों, ये सोचो आपसे क्या वादा किया था इन्होंने। इन्होंने कहा कि हम फसल की लागत का 1.5 गुना मुनाफा देंगे किसानों को, कोई किसान को मुनाफा नहीं मिला है। इन बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय बढ़ा देंगे, किसी किसान की आय नहीं बढ़ा पाए। 5 साल दिल्ली की सरकार और 2 साल उत्तर प्रदेश की सरकार, इन्होंने कहा कि हम नौजवानों को नौकरी दे देंगे। बताओ, नौकरी छीनने का काम किया, रोजगार छीनने का काम किया। ये अलग बात है कि वो असली योगी आदित्यनाथ ना होकर ये योगी के हम शक्ल हैं, लेकिन भगवा चोले और भगवा गमछे में दूर से उनकी शख्सियत योगी से खूब मिलती जुलती नजर आती है। अखिलेश यादव की रैलियों में नजर आने वाले इस योगी का असली नाम सुरेश ठाकुर है। चुनावी सभाओं में जब भी सुरेश उर्फ योद्धा पहुंचते हैं, भीड़ के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। अब इस सवाल का जवाब तो समाजवादी पार्टी ही दे सकती है कि उनके मंच पर योगी के हमशक्ल योगी की मौजूदगी से क्या मायने हैं। राजनीति में जो दिखता है उसके भी मायने होते, और जो नहीं दिखता और वो रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल विरोधियों को पस्त करने के तरीके के तौर पर किया जाता है।